नमस्ते विद्यार्थियों, डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती इसकी चौथी कविता पहली इकाई से, जिसका नाम है मन, यह पूरक पठन के अंतर्गत आती है, इसकी स्वाध्याय को लेकर आई हूँ। इस कविता को विकास परिहार जी ने लिखा हुआ है। यह कविता एक हाइकू के प्रकार की है, जो कि जापान की एक लोकप्रिय काव्य विधा है। आइए इसके स्वाध्याय को हम शुरू करते हैं। इसका स्वाध्याय आपको दिया है आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 16 पर। इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए में हमें पहला जो क्वेश्चन मिला है वह है उचित जोड़ियाँ बनाइए। उचित जोड़ियाँ में हमें अ और आ दोनों कॉलम दिए हुए हैं, और इन दोनों कॉलम के साथ में हमें इसको फाइंड आउट करना है कि अ के साथ में आ के अंदर का कौन सा ऑप्शन जो है फिट बैठता है। जैसे पहला है मछली, तो मछली के साथ में मौन, सुना, प्यासी, अमर, पीड़ा, तो प्यासी जो है वो फिट बैठता है, तो मछली प्यासी रही है ना सागर में रहकर भी। गीतों के स्वर अमर हो गए, रेल की पटरियाँ साथ में चलते हुए भी मौन थी, और आकाश जो है सुना था। यहाँ सुना का मात्रा गलत है, आप इसको दूसरा मात्रा लगाइएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं परिणाम लिखिए, दूसरा क्वेश्चन है परिणाम लिखिए। इसमें है पहला सितारों का छिपना। सितारों का छिपना अर्थात ये यहाँ पे दिया है ना हमें कि सितारे छिपे बादलों की ओट में, सुना आकाश, तो सितारों का छिपना यानी सुना आकाश, और तुम्हारा गीतों को स्वर देना, तो तुमने दिए गीतों को स्वर हुए अमर, तो यहाँ गीतों का अमर होना ये हो जाएगा। अब यहाँ दिया है सरल अर्थ, तो मन की बरसी आंखें, ये जो है इन लाइनों का हमें जो है सरल अर्थ लिखना है। तो आप इसके लिए मेरा वीडियो देख सकते हैं, जिसके अंदर मैंने पूरी व्याख्या बताई हुई है, और आप उसमें से इसके अर्थ को आराम से आसानी से लिख सकते हैं। सब हैंड रिटन ही आपको उसमें दिया हुआ है। आइए अब आगे के क्वेश्चन पेज नंबर 17 पर देख लेते हैं स्वाध्याय में, कि यहाँ दिया है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। अब सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए मैं आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है कि लिखिए। लिखिए में हमको दिया हुआ है निम्नलिखित हाइकू द्वारा मिलने वाला संदेश। पहला क्वेश्चन हमें दिया है कि करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा, तो यहाँ इसका मतलब हमें इसके द्वारा क्या संदेश मिल रहा है हमको, है ना, क्या सीख हमें मिल रही है, क्या ये लाइनें हमें बोलना चाह रही है, बताना चाह रही है, क्या कहना चाह रही है कि तुम्हें जीवन में इससे क्या सीखना चाहिए, ये अर्थ हमें यहाँ पर लिखना है। तो हमें लिखना है कि हमें जीवन भर फल की चिंता किए बिना निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, यही हमें इन लाइनों से मिलने वाला संदेश है। दूसरी चीज देखते हैं, भीतरी कुंठा नैनों के द्वार से आई बाहर, इससे हमें क्या संदेश मिल रहा है, तो जीवन में निराश होने पर मन की घोर निराशा आंखों रूपी द्वार से बाहर आ जाती है ना। जब मनुष्य बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, दुख जब सहन नहीं होता, तो वह जो दुख है वो आंखों के द्वार से, आंखों के दरवाजों से, आंखों की पलकों से जो है आंसुओं के रूप में बाहर आ जाता है, और मनुष्य जो है हल्का महसूस करने लगता है। दूसरा हम देखते हैं कि कृति पूर्ण कीजिए। हाइकू में प्रयुक्त महीना और उसकी ऋतु हमें लिखना है, तो हाइकू में महीना आया है फागुन और इसकी ऋतु होती है बसंत ऋतु, ठीक है। इसमें हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि मझदार में डोले जीवन नैया, छिपे हुए क्या छिपे हुए थे सितारे, धुल गए क्या धुल गए थे सारे विषाद अर्थात दुख, अमर हुए गीतों के स्वर, ठीक है। पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए, यह हमें अगला क्वेश्चन चौथा नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें दिया हुआ है हमें चलती सात पटरियाँ रेल की फिर भी मौन, तो हमें यहाँ पर जो है इसके अंदर हमें क्या लिखना है, तो हमें लिखना है इसका केंद्रीय भाव, इसका सेंटर जो सेंटर पॉइंट है, जो हमें बताना चाह रहे हैं ये, इसका जो भाव है वो क्या है। तो ये पटरियों के रूप में हमें जो है कवि ये कहना चाह रहे हैं कि अपने काम से काम रखना और निरंतर शांति से आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। यानी जैसे रेल की पटरियां जो है साथ में रहती हुई भी शांति से निरंतर अपने गति की ओर, अपने गंतव्य की ओर बढ़ती रहती है, या अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है। आगे देखते हैं कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, तो इससे इन लाइनों का जो केंद्रीय भाव है वो क्या है, तो कष्टों में भी मुस्कुराते रहना चाहिए, जैसे कि कांटों में गुलाब। गुलाब क्या होता है, कांटों में रहते हुए भी मुस्कुराता है, उसी तरह हमें भी जीवन में कितने भी दुख आ जाए हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। पर एक लाइन में लिखना है तो हम लिखेंगे कष्टों में भी मुस्कुराते रहना चाहिए जैसे कांटों में गुलाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन उपायोजित लेखन देख लेते हैं कि वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में
आपके मित्र और सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है, उसे धन्यवाद देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र लिखिए। अच्छा विद्यार्थियों, ये पत्र मैं आपको बताती हूँ, इसके पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए। मैं आपको यहाँ पर मेरे चैनल पर आप हर लेसन के जितने भी स्वाध्याय हैं, स्वाध्याय में श्रवणीय, लेखनीय, पठनीय, उपायोजित लेखन, भाषा बिंदु जो भी है, लिखित है, मौखिक है, सब कुछ मैं आपको यहाँ पर प्रिपेयर करके हैंड रिटन नोट्स में आपको दे रही हूँ। लेकिन मैं ये देख रही हूँ कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, देख लेते हैं और लाइक्स तो मुझे हज़ारों में मिल जाते हैं, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, साथ ही साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट तक नहीं लिखते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको इतनी मदद मिल रही है, आपको सब कुछ बना बनाया आपको जो है आंसर आपके सामने मैं दे रही हूँ, तो आपको सिर्फ करना क्या है, अगर आपको अगले लेसन के लिए भी सारे उपायोजित लेखन, भाषा बिंदु, लेखनीय, श्रवणीय, पठनीय, इनमें जो भी है ये सब कुछ अगर आपको चाहिए तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाद में हम जो है इसके आगे के लेसन्स के जितने भी उपायोजित लेखन या जो भी कुछ है हर लेसन में वो मैं आपको वीडियो के थ्रू दे दूँगी। अच्छा विद्यार्थियों, एक और आपसे कहना चाहती थी मैं बात कि मेरी ऑनलाइन जो क्लासेस है वो शुरू हो रही है। जो भी विद्यार्थी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, हिंदी सब्जेक्ट और मराठी सब्जेक्ट, कोई भी बोर्ड हो, है ना, चाहे वो एसएससी बोर्ड हो, चाहे वो आईसीएसई हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, मेरी ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको इस मेरे वीडियो के अंत में जो है आपको नीचे नोट दे दूंगी, तो आप उसके अंदर मेरी लिंक देख सकते हैं और उसके थ्रू मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं ईमेल भेजकर। तो आइए आगे हम उपायोजित लेखन का ये जो लेटर है इसको देख लेते हैं। दिनांक यहाँ पर लिख देंगे आप सबसे पहले, उसके बाद में संबोधन लिखेंगे, संबोधन में प्रिय मित्र राजेश, है ना, उसके बाद अभिवादन में आप मित्र होगा तो उसे हम नमस्ते ही बोलते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब यहाँ पर जो है विषय विवेचन, विषय विवेचन के अंदर आपको लिखना है कि हमको जो टॉपिक वो मिला हुआ है कि वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पाने के उपलक्ष्य में आपके मित्र या सहेली ने आपको बधाई पत्र भेजा है, आपने स्वयं जो है पहला स्थान प्राप्त किया है वक्तृत्व प्रतियोगिता में, है ना, डिबेट कंपटीशन में, और इसके लिए आपकी फ्रेंड ने आपको बधाई भेजी है ना कि कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसा बोल के आपको एक लेटर भेजा हुआ है, तो उसे धन्यवाद देते हुए निम्न प्रारूप में पत्र आपको लिखना है। उसने आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कहा है तो आप उसको थैंक्स कहते हुए एक लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले दिनांक और उसके बाद में सीधे, क्योंकि ये अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है इसलिए हम इसको सीधे प्रिय राजेश अभिवादन में नमस्ते लिखकर शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं आपकी विषय विवेचन, यानी कि यहाँ पे विषय नहीं डालना है, विषय विवेचन यानी विषय को डिस्क्राइब करना है आपका क्या विषय। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे आप राजेश से बोल रहे हैं कि तुम्हारा पत्र मुझे कल मिला, धन्यवाद, है ना, उसके लिए धन्यवाद। वक्तृत्व प्रतियोगिता में, वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम आने के उपलक्ष्य में तुमने जो बधाई पत्र मुझे लिखा उसने मुझे हमारी दोस्ती के पुराने दिन याद दिला दिए। तुम्हें तो पता ही है कि मुझे मंच पर बोलने में कितनी झिझक होती थी, पर तुम जैसे मित्र और हमारे अध्यापकों के निरंतर प्रोत्साहन ने मुझे आज वक्तृत्व प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लायक बना दिया है, इसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से आभारी हूँ, सभी को मेरी ओर से धन्यवाद। अगर यहाँ एक लाइन और बच जाए तो आप यहाँ पर इस जगह पे लिख सकते हैं कि आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा मित्र, अब तुम्हारा जो भी नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और आपका स्वयं का यहाँ पे नाम लिखना है और पता लिखना है, ठीक है, तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा या तुम्हारी, ये जो मित्र मैंने लिखा है ये मित्र आप यहाँ लिख सकते हो, और ये राकेश जो नाम लिखा है मैंने ये यहाँ आप लिख सकते हो, और पता अपना पता और यहाँ पर ईमेल आईडी। अगर आपको लेटर में पता दिया हुआ है तो आप उस पते को लिखिए, और अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर आप कोई भी फेक आईडी इसमें बनाकर लिख सकते हैं, कोई भी फेक एड्रेस भी आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और दूसरी बात कि स्कूलों में अक्सर ये जो पोर्शन
क्वेश्चन है यहाँ पर, जो लेटर लिख रहा है इसका एड्रेस जो है अनौपचारिक लेटर में भी यहाँ दिनांक के ऊपर आता है। जैसे यहाँ लिखेंगे ना नाम राकेश, जैसे ये लिखा हुआ है सेम इतना वाला ये जो पोर्शन है 1 2 3, ये तीनों चीज़ें जो है आपको यहाँ डेट के ऊपर लिख कर, ये अभी का नया पैटर्न है, तो आप उस तरीके से भी उसको जो है लिख सकते हैं। आपके स्कूल से आपको किस तरीके से बताया जाता है वो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको अब ये खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा स्वाध्याय। और जैसा कि आपको मैंने बताया, अगले लेसन के अगर आपको सारे जो है उपयोजित लेखन वगैरह जो भी कुछ चाहिए, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर बताइए कि आपको क्या चाहिए, तो उस हिसाब से फिर मैं वीडियोज़ बनाकर और डालती रहूँगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।